जो आज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। त्रिभुज के प्रकार है ना, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताइए। पढ़े भी हैं पहले आप लोग, तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब हो जाता है समान, बाहु मतलब भुजाएं, जैसे हमारी दो भुजाएं है ना, ऐसे इनकी भी भुजाएं होती है। अब त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती हैं, तो इसमें देखिए समान भुजाएं है ना, समान भुजाएं, तो समान भुजाएं मतलब जिनकी तीनों भुजाएं। तो क्या ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज बना है ए बी सी बना है ना। इसमें देखिए सभी की भुजाएं बताइए कितनी सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर सबकी। ए बी भुजा ए बी बराबर चार सेंटीमीटर, और फिर क्या बी सी, ये देखिए भुजा बी सी बराबर चार सेंटीमीटर, फिर भुजा सी ए, सी ए कितना है चार सेंटीमीटर। हो गए ना, तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, इनकी लंबाई क्या है बराबर है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं बराबर है, समान है, तो इसे हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और दूसरी भुजा देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु सम मतलब तो आप जानते हैं समान, बराबर, द्वि मतलब दो, दो मतलब द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जानते ही हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, अब इसका क्या मतलब हुआ कि समान दो भुजाएं, मतलब इसमें इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होंगी, दो। जैसे देखिए ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा की लंबाई अलग हो है ना, उनसे अलग हो दोनों से, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं है ना। अब देखिए आपके सामने त्रिभुज बना है ए बी सी, ए बी सी बना है। इसमें देखिए ए बी की कितनी है लंबाई, पांच सेंटीमीटर, बी सी की चार सेंटीमीटर, सी ए की चार। अब ये देखिए भुजा ए बी पांच सेंटीमीटर, ये हो गई भुजा बी सी, बी सी ये भी चार, ये चार सेंटीमीटर, और भुजा ये सी ए है, सी ए कितना हो गया चार सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, दो भुजाएं समान है, है? दो भुजाओं की लंबाई समान दिख रही है ना, दो भुजाओं की लंबाई समान है और एक भुजा क्या है अलग, तो ये क्या मतलब हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनकी मतलब दो भुजाएं समान है और एक भुजा अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज। तेज बोलो बच्चों। ये क्या है देखिए तीसरी भुजा है विषमबाहु त्रिभुज। अब आपने समझाना समान और विषम में क्या हो जाएगा, असमान, विषम मतलब असमान, तो असमान बाहु मतलब भुजा जानते ही, त्रिभुज मतलब तो जानते ही, तो असमान जिनकी भुजाएं हो त्रिभुज की है ना, इसका डेफिनेशन क्या, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु असमान मतलब इसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होंगी अलग अलग लंबाई की होंगी। जैसे देखिए एक त्रिभुज बना है ए बी सी और ए बी सी बना है, ठीक है, इसमें देखिए भुजा ए और बी कितने सेंटीमीटर है, देखिए सात लिखा है, बी सात सेंटीमीटर। दूसरी भुजा है बी सी कितनी सेंटीमीटर है, चार सेंटीमीटर, तो भुजा बी सी कितना चार सेंटीमीटर। अब भुजा सी ए देखिए, सी ए कहा गया, ये है सी ए कितनी सेंटीमीटर, छह सेंटीमीटर, छह सेंटीमीटर। अब इसमें आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है कि अलग अलग है, अलग अलग सभी भुजाएं देखिए अलग अलग है ना, तो ये कौन से त्रिभुज हो जाएंगे विषमबाहु। अतः त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं असमान है, समझ में आया। अब हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बताएंगे, ठीक है कुछ। अब आप लोग का आकलन कर लेते हैं कि नहीं, भूल तो नहीं गए वो सभी चीजें, तो चलिए बताइए, ये हम पूछ रहे हैं त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पे, ठीक है, तो बताइए हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सुनील स्टैंड अप, चलिए बताइए सुनील कितने प्रकार के होते हैं, ठीक तीन प्रकार के होते हैं, चलिए आप बताइए कोई एक त्रिभुज का नाम बताइए, विषमबाहु त्रिभुज, गुड। चलिए आप बताइए कोई और, हाँ दूसरा त्रिभुज का नाम बताइए, समबाहु त्रिभुज। तीसरा कौन बताएगा, लता बताइए आप तीसरा, दूसरे नंबर वाला आप बताइए, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं, बताइए कौन बताएगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कौन बताएगा आंसी आप, वेरी गुड,
जिसकी, हाँ क्या बताया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। वेल डन। चलिए अब बताइए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन बताएगा, तुम बताओगे। वेरी गुड, चलो बताओ। जिसकी मैम दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक अलग होती है। हाँ, दो भुजा बराबर होती है, समान होती है, और एक भुजा अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए और तीसरी है विषमबाहु त्रिभुज। कौन बताएगा विषमबाहु त्रिभुज, तुम बताओगे, और कोई बताओ भाई। विषमबाहु कौन बताएगा, ये तो बता चुके, कोई और बताए। हाँ, जिनकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, समान नहीं होती हैं, इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं असमान होती है ना, मतलब बराबर नहीं होती हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं या असमान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया, अभी इससे और क्वेश्चन सॉल्व करने को देंगे, फिगर बनाने को देंगे, बनाएंगे ना आप लोग। बहुत अच्छा, गुड, कीप इट अप, ऐसे ही आप करते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। वेल डन।